हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। सो अगेन आज हम लोग जो है एक टेलीग्राम के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मान लीजिए कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है, या फिर हैक नहीं, या फिर आपने ही किसी डिवाइस में लॉगिन कर लिया है और वो जो है आपका पर्सनल डिवाइस नहीं है एंड आप वहाँ से लॉग आउट नहीं किए हो, तो उस केस में आप किस तरीके से जो है वह उस डिवाइस से आप लॉग आउट कर सकते हो, लेकिन वो डिवाइस जो है आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे और कैसे करोगे। ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन होता है कि कहीं हम बाहर जाते हैं या किसी और के पीसी को एक्सेस करते हैं या किसी और के डिवाइस को एक्सेस करते हैं, हम लॉगिन कर लेते हैं मगर हम लॉग आउट करना भूल जाते हैं, फिर क्या करें, फिर कैसे हम खुद के ही डिवाइस से, अपने ही डिवाइस से बाकी अदर डिवाइसेस को लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट कैसे करें। सो टेलीग्राम में भी एक ऐसी सेटिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम जो है आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो, मल्टीपल लॉगिन आप कर सकते हो, आप लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हो, डेस्कटॉप भी यूज़ कर सकते हो, आपके पास टैबलेट है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो और आप मल्टीपल लॉगिन कर सकते हो। तो उसके जो सेशंस जो है मतलब एक डिवाइस का जो है एक पर्टिकुलर सेशन होता है वो क्रिएट हो जाता है। और अगर मैं आपको बात करूँ व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप पर क्या होता है कि वो सेशन जो है अगर आपके डिवाइस में जो मेन डिवाइस है उसमें इंटरनेट ना हो तो बाकी के में भी सेशन जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, सो अभी तो व्हाट्सएप में कॉन्स्टेंटली चेंजेस आते रहते हैं, जैसे कि चार ही डिवाइस में आप लॉगिन कर सकते हो, या फिर अभी तो बीटा वर्जन भी उसका आ चुका है, अगर आपके मेन डिवाइस में ही अगर इंटरनेट चालू नहीं है तभी भी आपका जो डिवाइस है वो चालू रहेगा दूसरे डिवाइसेस में। तो फिलहाल ऐसे चेंजेस जो है व्हाट्सएप में कॉन्स्टेंटली होता रहता है, लेकिन टेलीग्राम में वैसा नहीं होता। अगर आपने एक बार लॉगिन कर लिया है तो फिर आपको उसको मैन्युअली लॉग आउट करना ही पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली उसका सेशन जो है वो ब्रेक नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उसको आप कैसे करोगे हैंडल। सो चलो ज़्यादा बात नहीं, मैं आपको जो है ओपनली यहाँ पे बताता हूँ, प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डिवाइस में जो है लॉगिन करके रखा हुआ है ना। सो मैं आपको सेटिंग्स पर लेके चलता हूँ। सेटिंग्स पे आने के बाद आप अगर स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे की तरफ, तो सेटिंग्स का ये जो एक इतना पैनल सा दिया हुआ है, मतलब इतना एक सेक्शन है, उसी के अंदर आपको डिवाइसेस पे जाना है। देखो यहाँ पे आ गया ऑप्शन, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, है ना। सो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है दिस डिवाइस, यानी ये कौन सा डिवाइस है, तो ये है मेरा डिवाइस शाओमी रेडमी नोट 8। ठीक है, तो यहाँ पे टेलीग्राम एंड्रॉयड वर्जन वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है, ये लोकेशन भी शो कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देख सकते हो एक्टिव सेशन, किसी और जगह पे कहाँ पर ये सेशन जो है एक्टिव है ना। सो आप देख सकते हो अभी तो फिलहाल मेरे पास एक ही है, HP Elitebook 830G7 का। सो ये वाला जो है ये लैपटॉप पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, आप नीचे पढ़ भी पा रहे हो साथ में, तो ऑफिशियल टेलीग्राम ऐप इज़ अवेलेबल फॉर एंड्रॉयड आईफोन आईपैड विंडोज macOS एंड लिनक्स। ठीक है, सो देख रहे हो आप इसकी कंपैटिबिलिटी कितने सारे ये जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, या फिर जितने भी अलग अलग आप देख पा रहे हो, आईफोन पे भी चलता है, आईपैड पे भी चलेगा, विंडोज़ macOS, तो जितने भी अलग अलग OS है सब में ये कंपैटिबल है। सो आप सब में लॉग इन कर सकते हो। तो अभी आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप इस चीज़ को क्लिक करोगे और टर्मिनेट सेशन कर दोगे, है ना। अगर किसी एक ही सेशन को आपको टर्मिनेट करना है तो आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर जो भी है आपका डिवाइस है उसको सिलेक्ट करके वहां पे आप टर्मिनेट पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको सारे को ही करना है टर्मिनेट ऑल अदर सेशंस, सो उसमें क्या होगा, ये जो मेन डिवाइस है ये इसको छोड़ के बाकी जितने भी लिस्ट डाउन होते गए हैं नीचे वो सारे क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये मेरा मेन डिवाइस है, इसको छोड़ के जितने भी डिवाइस है ना जो मैंने लॉगिन करके रखा है, तो ये टर्मिनेट ऑल अदर सेशन यहां पे कर देगा, यहां पे करके आपको इसको टर्मिनेट कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पे और एक आपको ऑप्शन मिलता है ऑटोमेटिकली टर्मिनेट ओल्ड सेशन, सो इफ़ इनएक्टिव फॉर, सो इफ़ इनएक्टिव कितने टाइम तक इनएक्टिव था वो सेशन, सो आप यहाँ पे मतलब
सेट कर सकते हो अगर एक वीक तक जो है मैं रखूँ इस चीज़ को, तो बाकी ऑटोमेटिकली जो है टर्मिनेट हो जाएंगे ओल्ड सेशंस अगर मैं यहाँ पे एक वीक का टाइम टेन्योर जो है सेट करके रखता हूँ। तो यही चीज़ आप 3 मंथ 6 मंथ्स या 1 ईयर भी रख सकते हो अगर आप कॉन्स्टेंटली यूज़ नहीं कर रहे हो। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको कौन सा जो है टाइम यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए। सो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 6 मंथ था तो उसी को रख दिया, अगर मैं कॉन्स्टेंटली अदर डिवाइसेस में 6 मंथ्स तक नहीं यूज़ कर रहा हूँ तो फिर वो सेशन जो है वहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप आपके जो है जो भी आपका टेलीग्राम है या जो भी आप यूज़ करते हो आप बाहर भी कहीं पे यूज़ करते हो तो आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहिए, 1 वीक के लिए आप रख सकते हो। फिलहाल तो मैं यूज़ नहीं करता तो फिर मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ, क्योंकि अक्सर हम लोग जो है सेटिंग्स को हाथ लगाते नहीं है हम डे टू डे लाइफ में। सो जो लाइक टेक्नोलॉजी जो टेक कीड़ा होते हैं जिसको आप समझ पा रहे हो, जो अक्सर कुछ ना कुछ खोदते रहते हैं कुछ ना कुछ करते रहते हैं वही ये सारी चीज़ों को करते हैं, बाकी रेगुलरली कोई नहीं करता इस चीज़ को। तो मैं आपको कहूँगा कि आपके केस में आप इसको 1 वीक भी रख सकते हो, ठीक है। सो आई होप गाइज मैंने आपको आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे दिया है कि जो डिवाइसेस होते हैं उसको किस तरीके से आप लॉग आउट कर सकते हो बिना आप मतलब उस डिवाइस को लॉग इन किए, ठीक है। आप खुद के मेन डिवाइस प्राइमरी डिवाइस आपके पास होना चाहिए तभी ही ये पॉसिबल है। ओके सो गाइज आई थिंक मैंने आपको जो है सोल्यूशन दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, सो ताकि मुझे और भी नए आइडियाज़ जो है इम्प्लीमेंट करने में हेल्प हो जाएगी और बहुत ही अच्छा मोटिवेशन भी फील होगा, ठीक है। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।